हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक डिलीशियस। मैं हूं प्रियंका। आज मैं बनाने जा रही हूं स्टफ्ड कैप्सिकम, जिसे हम लोग एज ए स्नैक्स ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। कैप्सिकम 2, अनियन 1 बारीक कटे हुए, टमाटर 1 बारीक कटे हुए, गाजर 1 बारीक कटे हुए, जिंजर 1 टीस्पून, गार्लिक 1 टीस्पून, पनीर या छेना 4 से 5 टीस्पून, ग्रीन पीस 2 से 3 चम्मच, स्वीट कॉर्न बॉइल लेना है 4 से 5 टीस्पून, धनिया पत्ता कटे हुए, ग्रेटेड चीज, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट और ऑयल। सबसे पहले हम लोग कैप्सिकम कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन, येलो और रेड तीनों कलर के कैप्सिकम लिए हैं। आप कोई एक से भी बना सकते हैं, कलरफुल रहने से थोड़ा सुंदर दिखेगा। कैप्सिकम कट करने के बाद इसके अंदर थोड़ा नमक लगाकर इसे साइड करके रख लेते हैं। और अब हम इसके स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैं पनीर या छेना तैयार कर लूंगी। आप रेडीमेड पनीर ले सकते हैं। पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए दूध और नींबू का रस या फिर सिरका 3 से 4 स्पून। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 लीटर दूध लिया है। इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें जब एक बार बॉईल आ जाएगा, इसमें हम थोड़े थोड़े करके नींबू का रस या फिर सिरका 1-1 चम्मच करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। कुछ 5 से 10 मिनट में इसमें दूध जमने लगेगा और पानी से अलग हो जाएगा। जब पूरा दूध पानी से अलग हो जाए, हम इसे एक पतले कपड़े में डालकर इसके पानी को अलग कर लेंगे। अब हम इसे साफ पानी से धो लेंगे, जिससे नींबू या सिरके का टेस्ट नहीं आएगा। और ये हमारा छेना रेडी हो गया है। हमें स्टफ्ड कैप्सिकम में 4 से 5 टीस्पून ही छेना लगेंगे। बचे हुए छेना से हम कोई दूसरी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे पनीर भुर्जी और पनीर स्टफ्ड पराठा। तो बचे हुए छेना को हम ऐसे और भी बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम कट कर लेंगे टमाटर, गाजर, अनियन, गार्लिक और जिंजर। मैंने पहले से ही स्वीट कॉर्न बॉईल करके रखा है। एक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर। ये जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज का अनियन लिया है। इसे थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे अब चॉप्ड कैरेट। इसे भी हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बॉइल स्वीट कॉर्न। इसमें अब ऐड करेंगे ग्रीन मटर।
इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे। इसमें से अगर कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसे स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियां फ्राई होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मसाले। इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे छेना जो मैंने अभी बनाया है। यहाँ आप रेडीमेड पनीर भी ले सकते हैं जिसे आपको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, और अब इसको 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे चॉप धनिया पत्ता और हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम इस स्टफिंग को कटे हुए कैप्सिकम में एक एक कर अच्छे से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज। आप चीज स्किप भी कर सकते हैं। हमारा कैप्सिकम शैलो फ्राई के लिए रेडी है। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 से 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें एक एक कर कैप्सिकम को पकने के लिए डाल देंगे। इसके ऊपर इसके लिड को लगा देंगे ताकि स्टीम से ये अच्छे से कुक हो जाएगा। इसे कुछ 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है। डरिए मत, इसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं जलेगा। हल्का ब्राउन होगा बट उससे टेस्ट और अच्छा लगेगा। अगर हमें इसे माइक्रोवेव में बनाना है तो हम इसे एक ट्रे में हल्का ऑयल लगाकर इसे 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। और कुछ 8 से 10 मिनट अभी हुए हैं और हमारा चीजी स्टफ्ड कैप्सिकम तैयार है। इसे हम ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसे किसी सॉस के साथ भी ले सकते हैं। इस रेसिपी को आप किसी भी पार्टी में एज अ स्नैक्स मेन्यू में रख सकते हैं। बहुत ही यम्मी है। आप चाहे तो इसे ग्रेवी में डालकर मेन कोर्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताएं अपने एक्सपीरियंस। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। टिल देन स्टे सेफ, कीप वॉचिंग। थैंक यू।